आप देख रहे हो प्यारा संदीप परवीन एग्जाम यू। मैं इस वीडियो में आप सभी को 15 जीके का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में वैसा आ सकता है, मतलब वैसा आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है इसके लिए सॉरी, थोड़ा बिजी था इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो 15 क्वेश्चन को देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन है और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये जनरल मतलब करंट अफेयर के बेस पे है, जो करंट अफेयर बेस पे पूछता है। जैसे कि यहाँ पर जैसे आप क्वेश्चन में जान ही जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसा वीडियो आता रहेगा कुछ कुछ 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पे, जो आप सबको मतलब मुझे लगा कि हाँ ये एग्जाम में आ सकता है, तो वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चैनल पर नया हो तो चैनल को कर दीजिए फटाफट सब्सक्राइब, और साइड में बेल आइकन होगा उस पर टैप करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। आप सभी को बता दूँ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे संयुक्त मतलब पूरा देख लीजिएगा, पूरा यहाँ पे उसके आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945। समझ लीजिए कि जब हम लोग देश कब आज़ाद हुआ था, 1950 में हुआ था, 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुआ था। यहाँ पे भारतीय नौसेना मतलब समझ लीजिए जो पानी में रहता है उसी को नौसेना कहा जाता है, उसकी स्थापना सबसे पहले भारत में कब हुआ था, क्योंकि ये डिफेंस से क्वेश्चन है तो डिफेंस हमेशा पूछा जाता है। तो डिफेंस से मतलब ये क्वेश्चन के आंसर देख रहे हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 में इसका स्थापना हुआ था। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन पूछा है भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुआ था, तो आप सिंपली बता देंगे कि 26 जनवरी 1950, क्योंकि उसी समय देश आज़ाद हुआ था, तो एक नया भी बना कि जल सेना एक बनाया जाए यानी नेवी बनाया जाए। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, भूटान के प्रधानमंत्री कौन है। तो भूटान के प्रधानमंत्री यहाँ पे करेंट अफेयर के तौर पे है, तो यहाँ पे भूटान के प्रधानमंत्री है यहाँ पे लोते तेसरिंग। आप याद रख लीजिएगा लोते तेसरिंग, मतलब ऐसा ही नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन आप याद कर लीजिएगा लोते तेसरिंग। इनका इमेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कैसे हैं। इनका नाम है लोते तेसरिंग, फिर से एक बार रिपोर्ट कीजिए लोते तेसरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है वैक्सीन और टीकाकरण के लिए वैश्विक गठबंधन की स्थापना कब हुआ था। मतलब पूछ रहा है कि इसका सबसे पहले गठबंधन की स्थापना कब हुआ था वैक्सीन और टीकाकरण के लिए। तो मैं सबसे पहले इसका बता दे रहा हूँ, क्योंकि कोरोना है तो इसका पूछ देगा कि वैक्सीन कब बना था, फर्स्ट वैक्सीन कब बना था और टीकाकरण कब होना स्टार्ट हुआ था। तो यही पूछा हूँ कि वैक्सीन और टीकाकरण के लिए वैश्विक गठबंधन कब हुआ था, कि दोनों के मतलब जब वैक्सीन कब आता है टीकाकरण, मतलब वैक्सीन जब आएगा तभी ना टीकाकरण होगा। इस समय कोरोना वायरस का वैक्सीन आया हुआ है तो अभी नॉर्मल इंसान को अभी टीकाकरण नहीं हो रहा है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो रहा है। तो इसका आंसर है जनवरी 2000, मतलब 2000 में इसका स्थापना मतलब गठबंधन हुआ था इसका स्थापना। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। पांचवा नंबर, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। आप बताइए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिंपली कैनबरा है। कैनबरा याद कर लीजिएगा क्योंकि हमेशा पूछता रहता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, अमेरिका की राजधानी, पहली राजधानी मतलब सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे अमेरिका के, सबसे ऐसे पूछता रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है। यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, NTPC की स्थापना कब हुआ था, तो मुख्यालय और उसका मुख्यालय कहाँ। देखिए इसका आंसर क्या होगा, NTPC का स्थापना हुआ और मुख्यालय कहाँ है। तो दोनों तरीके से देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, NTPC का स्थापना कब हुआ था और इस और ये पूछ सकता है NTPC का मुख्यालय कहाँ है। तो आप दोनों तरीके से जान जाएंगे इस वीडियो में, तो दोनों तरीके से जान लीजिए। देखिए इसका स्थापना 1975 में हुआ था नई दिल्ली भारत में, मतलब 1975 में इसका स्थापना हुआ था नई दिल्ली में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नार्वो की राजधानी क्या है। नार्वो की राजधानी इस समय बहुत ज़्यादा फेमस मतलब चर्चित में है नार्वो, तो इसीलिए लेके आ गया हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो आप गलती नहीं कर पाएंगे। तो इसका राजधानी देखते हैं, नार्वो की राजधानी क्या है। ओस्लो है, ओस्लो आप याद कर लीजिएगा, ओस्लो जहाँ पे ओस कम गिरता है उसके बाद लो, मतलब कुछ ऐसा ट्रिक बना लीजिए कि जिससे आपको माइंड में रहे कि हाँ ऐसा आसपास होता है ठंडी के दिन में। मान लीजिए कि फरवरी होगा, थोड़ा थोड़ा ठंडी होगा या कोहरा होगा, तो इसे ओस्लो। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय विज्ञान संस्था मुख्यालय कहाँ है। भारतीय विज्ञान संस्था मुख्यालय कहाँ है, होगा बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय। नौसेना के स्टाफ के प्रमुख कौन है, तो नौसेना के स्टाफ के प्रमुख कौन है यानी मतलब इसका आंसर आपको याद करना पड़ेगा। इसका आंसर है एडमिरल करमवीर सिंह याद कर लीजिएगा।
दसवां क्वेश्चन देखते हैं, दसवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे। एक एक क्वेश्चन को थोड़ा याद करते जाइएगा, क्योंकि आप नहीं याद करेंगे तो एग्जाम में जाएंगे, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि इसका मतलब ये हो जाता है, मैं इस पर वीडियो लाऊंगा कैसे आप याद कर सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस पर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पर दसवां नंबर क्वेश्चन पूछा, इटली के प्रधानमंत्री कौन है? इटली के प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जीएसेपे कांटे। उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 11 नंबर, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? भारतीय विमान प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और भी कंप्लीटेड थोड़ा रह जाएगा, थोड़ा पूछ देगा कि भारतीय विमान पतन का स्थापना कब हुआ था, यहाँ पे प्राधिकरण हटा देगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका स्थापना हुआ था अप्रैल में 1995 में। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, 12 नंबर क्या पूछ रहा है, एक एक क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहा है, भारत के रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख कौन है? यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि रक्षा मंत्री कौन है, उसमें ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में दे देगा उनका भी नाम दे देगा, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे कर्मचारियों के प्रमुख पूछ रहा है, तो कर्मचारियों के प्रमुख कौन है, जनरल बिपिन रावत। यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे भारत के रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख कौन है, जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शायद 13 नंबर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि यहाँ पे इंडियन ऑयल, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर आप जान लीजिए, 30 जून 1959 में हुआ था, 30 जून 1959 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर, यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये आ भी सकता है। 16 नंबर, 1945 में इसका स्थापना हुआ था। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, विश्व कैंसर दिवस कब है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, आपके एग्जाम से 3 दिन पहले। मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए आपका एग्जाम मतलब सैनिक स्कूल का दे रहे हैं, तो 7 फरवरी के सैनिक स्कूल का एग्जाम है और ऊपर से 4 फरवरी का मतलब 4 फरवरी को कैंसर दिवस है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा कि विश्व कैंसर दिवस कैसा है। तो इस पर और भी वीडियो चाहिए, थोड़ा और भी मतलब ऐसे ऐसे और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए।